bankers were very reticent about giving the moratorium period. See, bankers are not reluctant. I have seen that moratorium period of even 2 years is given. So you should be able to convince. Basically, क्या होता है अपन बहुत loosely बोलते हैं कि सर एक साल बाद repayment चालू करो. ऐसा नहीं है. You have to convince कि why you need one. See, everything will depend upon what exactly you are presenting. Banker को लगा कि नहीं भाई, क्योंकि कोई banker नहीं चाहेगा कि आपको pressure मिला. No banker on this earth is pressurizing an entrepreneur. They are always helpful. लेकिन अपन जब बोलते हैं कि नहीं नहीं सर डेढ़ साल का चाहिए, बोलते हैं डेढ़ साल क्यों दे आप एक साल दो. सी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ओनली ब्लाइंड नेगोशिएशन के लिए एक डेढ़ दिए. अगर आप उनको कन्विंस करो तो दो साल का भी मिल सकता है, आप छोड़िए एक साल का. आई हैव सीन मोरेटोरियम पीरियड ऑफ इवन 3 ईयर्स. जैसा प्रोजेक्ट वैसा मोरेटोरियम. सी इट डिपेंड्स ऑन द सेल. अगर सेल से नेचुरलाइजिंग हुई है वही जो प्रोजेक्शन है टेक 6 मंथ मोरेटोरियम ईबीडी नीड 1 ईयर देन इट टेक द बैंकर हियर दे आर रिव्यूड कंफर्म ऑब्वियसली ऑन सेल. थैंक यू. May I request Sumkoji to please share the website आपने जो ये जॉइनिंग स्कीम्स का आपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो वो भी कहेंगे आप सब लोग नोट कर लें जहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं जो अभी प्रेजेंटेशन दिया गया था आपको. www.mofpi.nic.in MOFPI अब वो स्क्रीन से देख रहे हैं. Ministry of Food Processing Industry. .nic.in. Sir, Maharashtra Government Website. Actually, उसका website भी Ministry of Agriculture के इस पे है वो. खाली उसका नाम लिख लीजिए कि Ministry of Food Processing Scheme है वो. समीर सरांनी फारच एकदम मोलाचं मार्गदर्शन आपल्याला केलं आणि त्यांनी खरंच सांगितले की इमानदारी माणसाने थोडीशी बाळगावी, बँकेसोबतही बाळगावी आणि स्वतःसोबतही बाळगावी. बरोबर आहे की नाही? बरेचदा आम्ही स्टँडअप इंडियाच्या केसेस जेव्हा बघतो सर, तेव्हा मी माझ्याकडे जेव्हा हँड होल्डिंग सपोर्टचा मेल येतो मी त्याला फोन करतो त्या बारोरला, अरे काय बाबा तू 1 करोडचं कर्ज तुझं प्रकरण तू इथं टाकलास तर कसा आहे तुझा प्रोजेक्ट. जेव्हा त्याच्याकडून मला डिटेल येते तेव्हा मला आम्हाला असं माहित पडते की हा प्रोजेक्ट फक्त 25 लाखाचाच होते. तर मी त्याला विचारतो रे बाबा तुझा प्रोजेक्ट 25 लाखात होते, तू 1 करोड कसं टाकलं? काय नाही म्हणे सर, तिथे काही पैसे पिसे लागत नव्हते, 1 करोडची लिमिट होती, मी टाकून दिली. तर असं करू नका. म्हणजे असं केल्याने काय होईल, बँकेचा काही प्रॉब्लेम होणार नाही, ते तुमची पत जाईल. कारण की जेव्हा तुमचा प्रोजेक्ट जसं सरांनी सांगितले की डिटेलिंग करा, मायक्रो वर्किंग करा त्याच्यावर की आपल्याला खरंच किती लागणार आहे, मार्केटिंगला किती लागणार आहे, आपलं शेड किती बनणार आहे, सगळ्या गोष्टीचं मायक्रो वर्किंग करा. आणि सरांनी परत एक सांगितली की फंड सायफोनेशन करू नका. जेव्हा तुम्ही तुमच्या धंद्यातला पैसा जेव्हा तुम्ही इतरत्र कुठेतरी वळता करता त्यावेळेस 200% चान्सेस असते की तुमचा बिझनेस हा नक्की वर्षा 6 महिन्यात किंवा वर्षभरात तो एनपीए व्हायलाच पाहिजे. म्हणजे हा खूप वेळा आपण बघितले आहे. आणि एनपीएचे 2-3 प्रकार असतात, म्हणजे जसं आता डिले फायनान्स आहे, ओव्हर फायनान्सिंग आहे, अंडर फायनान्सिंग आहे, हे सुद्धा फॅक्टर आहे. पण हे फॅक्टर जे आहेत हे या फॅक्टरला थोडस आपल्याला कुठे ना कुठे आपल्याला कंट्रोल करायला पाहिजे. आता याच्यानंतर मी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटरचे जॉईंट डायरेक्टर आहेत अशोक धर्माधिकारी साहेब, त्यांना संबंध पोर्टल हे एक महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं छान इनिशिएटिव्ह आहे की एखादा स्मॉल माणूस, एखादा स्मॉल वेंडर किंवा एखादा स्मॉल फॅक्टरीवाला मोठ्या फॅक्टरीवाल्याला सप्लाय करत असेल, आणि आता जनरली आपल्या स्मॉल लोकांना आपल्याला कॅश फ्लोची फार अडचण असते, तर त्याच्यामध्ये आपण एखाद्या वेळेस आपला माल सप्लाय करून देतो आणि वर्षभर 6 महिने पेमेंट येत नाही, त्या परिस्थितीमध्ये तो जो मायक्रो युनिट किंवा स्मॉल युनिट वाला जो ओनर असतो तो खूप अडचणीत होतो. त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रनी एक डिले पेमेंट ऍक्ट काढलेला आहे की कोणताही जर सप्लायर, कोणत्या मोठ्या सप्लायरला जर काही वस्तू सप्लाय करत असेल तर त्याच्या 45-45 दिवसात पेमेंट यायला पाहिजे. याच्यावर फार छान सुंदर प्रेझेंटेशन धर्माधिकारी साहेबांचं आहे, तुम्ही जरा लक्ष देऊन ऐका. थँक्यू. One addition to introduction of Sri Ashok Dhamadigari ji. Friends, he is heading the industries department in all the 11 districts of Vidarbha. In fact, he is holding dual charge of this department as divisional head.
joined the ring of industry. There are 11 general managers, DIC, operating under him in all the 11 districts of Vidarbha. And we are very fortunate to have such a dynamic leader and a visionary amongst us. With these words, we look forward to Mr. Masraj. Thank you, Sujit. Good afternoon, friends. May I know how many of you are having existing MSC? So, suggestion given by Mr. Atulji was Samadhan will not be more relevant to you. So, I will cover Samadhan in a very short time, and I will devote my time to strengthening MSME input sectors through cluster approach. बेसिकली अभी जो समीर जी ने आपको बताया कि हाउ टू गो अबाउट इट वाइल प्लानिंग योर यूनिट दैट इज प्लानिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो प्रोजेक्ट करते हैं, हम जो प्लान करते हैं, वैसा होता नहीं है. देखिए, दिस इज बिकॉज एमएसएमई इज ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड. आप किसी बड़े आदमी को सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सप्लाई कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, लार्ज स्केल को सप्लाई कर रहे हैं. तो व्हेन यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई, द ऑल द कंडीशंस आर डिक्टेटेड बाय लार्ज स्केल, बिकॉज यू आर नॉट इन ए कैपेसिटी टू डिसाइड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आपको क्या लगता है कि भाई मेरे को मार्केट मिल रहा है, मेरे को सप्लाई करना है, मैं सप्लाई कर देता हूं, और फिर चक्कर शुरू हो जाते हैं. अगर यानी सक्सेसफुल यूनिट चलना, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का है. बराबर, वर्किंग कैपिटल, बिकॉज एमएसएमई सेंसर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के साथ करती है, तो क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज का वन ऑफ द मेन रीजन इज लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल. अब लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल में एक तो आपका पहला हो गया प्लानिंग का पार्ट, और दूसरा हो गया रियलाइजेशन का पार्ट. जो आप मार्केट में सप्लाई करते हो उसका रियलाइजेशन, क्योंकि आपका वर्किंग साइकिल डिसाइड होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स एट योर स्टॉक एंड सप्लाई टू मार्केट एंड इट्स रियलाइजेशन. ये पूरा बोल के आपका एक वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है. अगर सामने वाला आपको टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, तो ऑब्वियसली योर वर्किंग कैपिटल इज डिप्लीटेड टू दैट एक्सटेंट. और फिर क्या होता है कि आपको यूनिट चलाने के लिए फंड नहीं होते. तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, जाओ भाई कोर्ट में जाओ, उसको लीगल नोटिस दो और सिविल सूट दाखिल करो. और इंडिया में सिविल सूट तो आपने दाखिल किया, तो आपके बच्चे के टाइम उसका रिजल्ट लगता है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट वेरी जुडिशियसली, एंड ये जो मेन रीजन था कि एमएसएमई को डिलेड पेमेंट होता है, एंड दैट वॉज द रीजन फॉर मेनी ऑफ द यूनिट्स हु वर डिप्लॉयड ऑन द वर्किंग कैपिटल. तो 1993 में एक डिलेड पेमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था. अभी डिलेड पेमेंट एक्ट में इनिशियली प्रोविजन वही थी कि आप कोर्ट में जाकर सिविल सूट करना. आफ्टर दैट इंडस्ट्री फैसिलिटेशन काउंसिल एस्टेब्लिश हुए, एंड महाराष्ट्र बीइंग द प्रोग्रेसिव स्टेट, महाराष्ट्र हैज सच काउंसिल एट एवरी रीजनल लेवल. बहुत से स्टेट में सिर्फ एक स्टेट लेवल पे काउंसिल है, जो कि डेवलपमेंट कमिश्नर इंडस्ट्री या सेक्रेटरी इंडस्ट्री हेड करते हैं. लेकिन महाराष्ट्र में नंबर ऑफ एमएसएमई ज्यादा होने से और इंडस्ट्री का बेस ज्यादा होने से, वी थॉट दैट इट इज वेरी राइट थिंग एंड टू गिव हेल्प एट अ प्रॉपर टाइम वी शुड हैव अ रीजनल काउंसिल. तो बेसिकली बाद में जब हम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, सपोज आपने कलकत्ता माल सप्लाई किया, तो वो लिखे देता है कॉन्ट्रैक्ट में कि ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्टेड टू कलकत्ता जुरिसडिक्शन. तो क्या होता है, आपका यूनिट यहां का छोड़ के, बिकॉज एमएसएमई ऑलवेज चालक मालक, वही मालक है वही चालक है, सिंगल मैन का शो होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है. तो
through this act, there are certain statutory rights given to an MSME. पहला ये है कि buyer, अब buyer किसको define किया है? Whoever buys goods and services. वो individual हो, वो कोई SSI unit हो, वो कोई large scale industry हो, government का department ही हो, वो भी buyer के नाम So buyer can be any person who receives services or goods in consideration. और jurisdiction दिया है, irrespective of whatever contained in their agreement, jurisdiction will be based on the location of unit. यानी नागपुर का unit है और आपका supplier कलकत्ता है या अगरतला का है, उसने बोला कि मैं अगरतला jurisdiction जाता हूँ, तो नहीं, statutory आपका right है कि आपका जो dispute है, वो नागपुर में ही सुना जाएगा. And there are certain liabilities which are enforced on the buyer. Kya? Ki he has to pay within agreed period. And in any case, agreed period cannot be more than 45 days. Ab 120 din aur 6 mahine wala kitna gaya? Fund ki cost sab itni ho gayi hai ki 6 mahine ka bag nahi bear kar sakta hu. So every buyer has to pay within agreed period and in any case it should not be more than 45 days. Agar is time mein payment nahi hota hai, to he is liable to pay balance payment. Agar kuch diya hai to balance payment rahega, ya kuch nahi diya hai to pura payment rahega. Balance payment along with interest. And interest at what rate? 3 times the bank PLR. And which will be compounded at every month. ये इतने delayed payment में 1.5 times था, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 1.5 times भी बहुत कम होता है. There should be a deterrent provision on the large buyers who are otherwise depriving the rights of MSME. Because after agriculture, MSME is the most important sector to the economy of India. So ये deterrent उसमें रखा गया है. कि एवरी बायर हैज टू पे विद इन 45 डेज अदरवाइज ही इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट अभी ये जो कोई डिस्प्यूट है ये जूरी यानी फास्ट ट्रैक मोड पे यहाँ पे सुने जाते हैं एंड अतुल पांडे जी इज वन ऑफ अवर काउंसिल मेंबर्स पांच मेंबर होते हैं और 90 डेज में भी डिस्पोज ऑफ द केस यानी आपने फाइल किया तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को देखने की जरूरत नहीं है एंड If a buyer wants to challenge that award, he has to pay 75% of the award amount, otherwise no court in the country will hear his plea. So these are the strict provisions and I am glad to inform you that Nagpur Council is one of the leading councils in the country in the disposal. What are you नागपुर काउंसिल ये देश में डिस्पोजल के लिए सबसे आगे नहीं नहीं रेट जो भी है 90 डेज तो करते हैं नहीं नहीं एग्रीड पीरियड अगर आपका आपका सपोज एग्रीड पीरियड 30 डेज का है तो वी विल नॉट वेट फॉर 45 डेज एग्रीड पीरियड 31वें दिन से आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा अगर आपके इसमें लिखा है कि मैं एक साल के बाद पेमेंट दिया तो नो एग्रीमेंट विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट is enforceable, right? So, anyway, he has to pay within a period of 15 days, 45 days, or otherwise, he is liable to pay the interest. Or once this award gets passed by this council, if he wants to challenge that award, he has to pay 75% of the award amount before approaching any court of law. So, ye bahut wide power diye gaye hai council ko, aur 90 डेज का डिस्पोजल है सो यू गेट रिड्रेसल विद इन इमीडिएट पीरियड तो मतलब ये है कि जिसके साथ भी मैं मार्केटिंग वो कर रही हूँ सेल कर रही हूँ आई नीड टू हैव टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर आई डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस नो इफ यू हैव नो टर्म्स एंड कंडीशन टर्म्स विल बी डिटरमिन व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ओके इट इज एज सिंपल एज दैट ही इज बाउंड बाय दैट बिकॉज़ इट इज एज पर माय पार्लियामेंट और हम जो इस देश के नागरिक हैं जो कायदा होता है वो पालन करना होता है सो मेनी ऑफ द पीपल
don't know these provisions, but we are trying to create awareness. Or Nagpur Council mein kareeban 750 referrals humko receive hue the, and we were able to dispose of 500 references. Aur jo pehle hamara ek saal ka period rehta tha, that we have cut down to almost 4 to 6 months. जी जो कल ही हमारे पास रिपोर्ट आई है ऑन पैन इंडिया बेसिस, पूरे हिंदुस्तान में जितने ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स हैं, नागपुर फैसिलिटेशन काउंसिल वॉज रनिंग नंबर वन. The maximum number of cases reported. So, very modestly, is about to put up. But the kind of heart and soul that they have put into this, it's become a movement in the region. The justice ke liye itna bada vardaan ho gaya hai yahan pe ki paisa nahi aa raha hai, and we can see now people so frequently approaching the council now for recovery of their dues. Yani jo blood circulation mein rehta hai, wo chok jata hai, to wo is sort of big relief to them. And it has all been possible because of his, leadership and mobilizing, involving all of us into the whole process. And the adjudication के अंदर में जो हुए हैं, rarely there have been challenges. तो इसका जो challenge किया जा सकता है, उससे शायद आप बताएंगे आपको इसके बारे में. So, but Nagpur is today recently we have शायद हरियाणा में कुछ कारण से उन्होंने कुछ number of cases immediately इसको ज़्यादा हुए हैं. So, short span में हरियाणा is now council is on number one, but we Nagpur council has been pan India basis has been the number one efficiency wise. In percentage terms, still we are number one. In percentage basis, I mean number of cases registered versus adjudicated, we are still number one. Sorry, MSMED. Micro, Small and Medium Industries Development Act 2006, and now this process has been streamlined through online means. Samadhan portal, MSME Samadhan, if you go on to the website of MSME, Ministry of Micro and Small Industries Development, you will get a link of Samadhan. So what you can do, you should have a valid Udyog Aadhaar. Valid Udyog Aadhaar. You have to log in through Udyog Aadhaar and upload your supply orders and tax invoices. Automatically, the intimation gets generated and sent on email of the buyer. और हमने देखा है कि most of the cases में जब वो provision लिख के उसके पास जाती है, तो without getting case registered in the council for hearing, उसका payment आ जाता है. उसका payment आ जाता है. और last week यानी दो process में काम होता है, उसमें एक तो conciliation हम करते हैं. Mediation between the two parties, and many a times we are able to convince the buyer कि आप उसका payment दे दो, तो conciliation में भी payment हो जाता है. अगर conciliation fail हुआ तो हम arbitration भी करते हैं. तो last week करीबन 7.5 crore का payment conciliation में आया था. So this is a very good because there are two aspects. एक तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल और फ्लो ऑफ फंड होना जरूरी है, और दूसरा देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट मार्केटिंग आल्सो. खुजनारे साहब इज गोइंग टू कवर दैट. तो ये तो एक समाधान का एस्पेक्ट हो गया है. दूसरा एक जो एमएसएमई स्ट्रेंथनिंग के लिए हम काम कर रहे हैं वो क्लस्टर्स पे काम कर रहे हैं, और विच इज मोर रिलेवेंट टू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. क्लस्टर स्कीम ये दो लेवल पे हम इंप्लीमेंट करते हैं. एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट का. तो इफ यू कंसिडर नागपुर डिस्ट्रिक्ट, वी हैव इंप्लीमेंटेड टू क्लस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वन इज रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, और दूसरा है एक दाल मिल की क्लस्टर है. And the third cluster at Ramtek is for rice mill, which is under implementation. I mean, basically, ये clusters के में implement करते हैं हम दो layers में implement करते हैं. पहला एक तो है capacity building का है, जो soft intervention से.
अब मोस्टली क्या होता है कि एमएसएमई सिंगल मैन आर्मी होती है, तो ही हैज टू मैनेज द बिजनेस, ही हैज टू मैनेज द मार्केटिंग, ही हैज टू मैनेज द फाइनेंसेस, ही हैज टू लुक आफ्टर द प्रोडक्शन. तो बहुत बार बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये उसको पता नहीं होता. तो एब्सॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ये एक पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट है कि एक्सपोजर कि अपने सेक्टर में बाहर में क्या चल रहा है, स्टेट लेवल पे क्या चल रहा है, कंट्री लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है. तो पहला पार्ट क्लस्टर डेवलपमेंट. क्लस्टर किसको बोलेंगे कि यूनिट्स हु आर एक्सपोज टू कॉमन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी एक तरह की एक्टिविटी करने वाले यूनिट का एक जगह में काम कर रहा है या एक फिजिकल एरिया में काम कर रहा है, उसको हम क्लस्टर बोल सकते हैं. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, नागपुर सिटी में करीबन 800-900 गारमेंटिंग यूनिट है. किसी के पास 5 मशीन है, किसी के पास 10 मशीन है, किसी के पास 15 मशीन है, किसी के पास 50 मशीन है. तो देयर लेवल ऑफ ऑपरेशन इज डिफरेंट, बट दे आर डूइंग और वर्किंग इन ए कॉमन सेक्टर. अभी इसके पहले स्टेज में जो होता है कि उनका डायग्नोस्टिक स्टडी करना कि उनका स्टेटस क्या है, उनकी इश्यूज क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है. तो जब हम उनसे डिस्कशन करने गए, चर्चा करने गए, तो हमने पूछा कि अभी भी आप ये काली मशीन उषा की यूज करते हो क्यों, सुजुकी की मशीन नहीं आपके पास? तो बोले इसको चलाने के लिए वर्क नहीं, पैसा तो है, मशीन तो ले सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए स्किल तो होना. तो पहला लैक ऑफ स्किल. अब नागपुर मार्केट को आप जब देखते हो तो सलवार सूट होता है, कुर्ता पैजामा होता है, इथनिक वेयर्स होता है, सब तरह की शर्ट्स होती है, सब तरह की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है, लेकिन कट टू पैक होती है. कट टू पैक इन द सेंस ब्रांड 3-4 लोगों का है, वो अपना मटेरियल देते हैं और अपने रिक्वायरमेंट से सिला के लेते और पैकिंग करके लेते हैं, अपना ब्रांड लगा के मार्केट में. तो ये फिर से अपना हो गया हैंड टू माउथ वाला काम हो गया एमएसएमई वाला, क्योंकि पूरी मार्जिन तो ले जा रहा है वो ब्रांड वाला. तो फिर उनको पूछा कि आप कैजुअल्स में क्यों नहीं जाते, अभी नई जनरेशन कैजुअल पहनती है कॉटन की. तो कैजुअल की वॉशिंग फैसिलिटी लगती है. अब जब यहाँ पे सलवार कमीज होता है, कुर्ता पैजामा होता है, या फिर इथनिक वेयर में साड़ी और ड्रेस मटेरियल होता है, तो उसमें काफी वर्क करना पड़ता है. तो देखा तो एम्ब्रॉयडरी के लिए सूरज जा रहा है मान. अब सूरज जाता है तो उसको आने के लिए कम से कम 15 दिन लगते हैं, तो उसके इन्वेंटरी का पास बढ़ गया. तो डायग्नोस्टिक स्टडी में उसका स्टेटस क्या है, उसके प्रॉब्लम क्या है, कॉमन इश्यूज क्या है, ये हम स्टडी करते हैं. और वो स्टडी करने के बाद उनके सॉफ्ट इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए, उनको यानी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग्स है, जैसे वो फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स है, मशीनरी के एग्जीबिशन है, ये सब एक्सपोजर विजिट के लिए हम भेजते हैं, और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के पास ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं, सो दैट दे विल बी एबल टू बिल्ड अप देयर कैपेसिटीज एज पर द प्रेजेंट सीनियरियो इन दैट. और फिर ये जो कॉमन इश्यूज होते हैं, जो कॉमन डिफिकल्टीज होती है, उसके लिए हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर देते हैं उनको. और ये पीपीपी मॉडल में होता है, यानी पूरा गवर्नमेंट नहीं देता है, उनको इक्विटी भी कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्लस्टर का लेवल है वो थोड़ा सा 15 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट तक का है, और स्टेट गवर्नमेंट का है वो माइक्रो लेवल पे 5 करोड़ तक का है. तो दोनों इसमें आपको 10-20% तक इक्विटी इनको डालनी पड़ती है. सो ए एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल इज फॉर्म्ड ऑफ द क्लस्टर यूनिट्स, वो अपना 10-20% कंट्रीब्यूट करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 80% ग्रांटी नेर देता है. ग्रांटी नेर है ना सब्सिडी. अभी देखो यहाँ गारमेंटिंग के लिए हमने 3 फैसिलिटी उनको दिया. एक तो एम्ब्रॉयडरी का स्टेट ऑफ आर्ट इंपोर्टेड कोरियन मशीन दिया, जो अभी तीन साल हो गए तीनों शिफ्ट में काम करता है. बाद में वॉशिंग फैसिलिटी दिया, नागपुर से कैजुअल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, वॉशिंग फैसिलिटी दिया, तो अब उसकी कैपेसिटी थोड़ा यूटिलाइज होना चालू होगी. और ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर वी वर एबल टू ट्रेन अराउंड 2,000 स्पेशली लेडीज इन गारमेंटिंग ऑन हाई एंड मशीन्स.
or then they will either start their own venture or they will be employed as workers in the existing factory. So MSME unit ka isolation mein working karna ye thoda sa difficult hota hai because of n numbers of reasons. So we are creating clusters of such common units whereby usme soft intervention se hum unka capacity building karte hain aur hard intervention se bhi 80% jab aapko grant in aid milti hai to kya hota hai ki the cluster units utilizes that facility on job work basis. जिसका 80% वो ग्रांट आया है तो अभी उसके जॉब रेट्स बहुत कम रहेंगे. मेंबर यूनिट्स के लिए रेट अलग होता है, नॉन मेंबर के लिए रेट अलग होता है. तो द एफर्ट इज टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यानी इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो गया, सुलभ माल भेजना नहीं पड़ता तो उसका वर्किंग साइकिल कम हो गया, मनी सर्कुलेशन बढ़ गया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि 80% ग्रांट में जो कॉमन फैसिलिटी घड़ी है उसके जॉब रेट बहुत कम है. ऐसी फैसिलिटी हमने दाल मिलिंग यूनिट्स के लिए नागपुर में क्रिएट की है कि जैसा क्लीनिंग है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग है और पैकेजिंग है. क्योंकि हमने देखा कि ये जो ग्रेन प्रोसेसिंग वाले हैं पूरे 100 केजी और 50 केजी के पैकिंग में बेचते हैं. तो रियलाइजेशन, जब तक आप रिटेल मार्केट टैप नहीं करोगे तब तक आपको मार्जिन नहीं मिलेगी. तो उनको कॉमन 1 केजी से लेकर 5 केजी तक उनको पैकेजिंग फैसिलिटी दिए सो दैट दे विल वर्क कलेक्टिवली टू बिल्ड अ ब्रांड. अब होता क्या है कि जब सब इकट्ठा काम करते हैं तो स्ट्रेंथ आती है. इंडिविजुअल यूनिट के लिए कोई अप्रोच नहीं होता कि मेरे को 10,000 आज शर्ट के पीसों का सिला के दो, आप एक महीने में नहीं देता. अब देयर आइडेंटिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए क्लस्टर वेयर देर इज अ स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ गुड कॉमन फैसिलिटी. तो अभी बाहर से लोग उनको अप्रोच होना शुरू हुए कि आज हमको 10,000 पीस होना, आज हमको 50,000 पीस होना, आज हमको 20,000 पीस होना. तो उनकी मार्केटिंग का रीच बढ़ गया है. और दूसरा, वेन यू गो टू आइदर एन एब्सॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जब आप सप्लायर से निगोशिएट करते हो तो जब इकट्ठा जाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ है, अकेले जाओगे मार्केट में तो आपको कोई डिस्काउंट ही नहीं करेगा. तो देर आर एन नंबर ऑफ एडवांटेज इफ यू कम टूगेदर. अदरवाइज इन आइसोलेशन द सस्टेनेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एमएसएमई इज वेरी डिफिकल्ट. और ये विदर्भ के 11 डिस्ट्रिक्ट में हम करीब 32 सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं. जैसे यू आर टेलिंग अबाउट जैगरी, अब गोंदिया तालुका का नहीं, तालुका हो गया, तालुका हो गया. वैन गंगा का मस्त पानी है और पूरा ऑर्गेनिक शुगर केन होता है और वो अभी भी अपना कन्वेंशनल मेथड से ही जागरी बनाते हैं. और पूरा एमपी और दिल्ली वाले ट्रेडर आके उनका जागरी लेके जाते हैं. तब अब उनका जागरी यानी रिक्वायर्ड पैरामीटर से हो, स्पेसिफिकेशन से हो, तो फिर उनके लिए हमने कॉमन फैसिलिटी क्लस्टर में प्रपोज की. यानी शुगर केन का जूस हाइजीनिक और स्टरलाइज होकर फिर उनके यहाँ जाएगा और फिर कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग के लिए यहाँ पे आएगा. देन इन ए प्लेस लाइक लालदुरा एंड बुलडाणा डिस्ट्रिक्ट, वी आर वर्किंग ऑन खबा क्लस्टर. आप यानी ये 30 अप का, अगर आपको किसी को ये ट्रेन है 30 अप, अगर उसमें कभी आपने ट्रैवल किया होगा, यानी शेगांव वगैरह जाते हैं आप लोग, तो खामगांव का खबा आपको नागपुर तक के मार्केट में मिलता है और ऑफ सीजन में 80 रुपए किलो में भी बेचते हैं वो. तो उनके लिए यानी पहला लेवल है उनके यूनिट अपग्रेडेशन, स्टीम वाले उनको भट्टी दें, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दे, रिफर वैन भी हमने उनको दी है सो दैट दे विल बी एबल टू रियलाइज अ गुड प्राइस फॉर देयर मार्क. अभी दरियापुर में हनी क्लस्टर है. ये बी कीपर्स होते हैं, वो अपना हनी कलेक्ट करते हैं, जहां फ्लोरा होता है वहां माइग्रेट करते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं. और हनी में तो बहुत अच्छा स्कोप है. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आप जाओ तो स्किन केयर के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो उसके लिए भी वैल्यू एडिशन फैसिलिटी हमने दी. तो
Again, what we find in Vidarbha is it is very painful and painstaking to bring people together. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. उसको लगता है कि मेरा मार्केट तो नहीं ले जाएगा ये. लेकिन जब आप इकट्ठा आते हैं तो एक आपको एक अलग विजन आती है. और जैसा चाइना का मॉडल कहता है कि वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदलता है. तो जब 100 राइस मिल वाले इकट्ठा आएंगे तो कोई भी एक्सपोर्टर उनके पास ही जाएगा ना कि मेरे को इकट्ठा इतनी कैपेसिटी और रिक्वायर्ड पैरामीटर तो मिल रही है. तो जरा थोड़ा सा विजन अपना चेंज करने की जरूरत है. इकट्ठा आए तो गवर्नमेंट की बहुत बहुत सारी स्कीम है. यानी समाधान तो थोड़ा सा अनवांटेड एस्पेक्ट है उसमें. पूरा लीगल प्रोसेस होता है. लेकिन एमएसएमई के लिए अगर आपको लॉन्गर पीरियड पर उसका सस्टेनेंस देना है तो फिर आपको क्लस्टर में काम करने के सिवा दूसरा ये नहीं है. एंड फॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के डायरेक्टर नागपुर में बैठते हैं और स्टेट गवर्नमेंट तो है ही. तो फूड प्रोसेसिंग में काफी अपॉर्चुनिटीज है क्लस्टर के लिए. सिर्फ लोगों ने इकट्ठा आगे और एसोसिएशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए फूड. व्हाट वी हैव सीन इन मराठवाड़ा कि मराठवाड़ा में उनका क्लस्टर डेवलपमेंट का सेल है. अभी यहाँ पे उनका डीएसआर बनाओ यानी डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट बनाओ डीपीआर बनाओ ये पूरा एसोसिएशन लेवल पे होता है और उसके लिए प्रॉपरली उनको मेहनताना भी मिलता है. तो रोल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड योर माइंड सेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो आप बड़ी एंटरप्रेनर हो तो इस लेवल पे अभी से आप सोच आपकी आगे बढ़ाओ. और फूड प्रोसेसिंग तो सन राइजिंग है यानी आफ्टरनून भी उसमें होने वाली नहीं है इंडिया में. ये अपना हैबिट और अपना मार्केट देख के तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. यू शुड कम फॉरवर्ड. लेकिन आपका प्लानिंग अच्छा होना चाहिए. यानी गवर्नमेंट की स्कीम है सब्सिडी है. इन्होंने तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एमएसपीआई की सब्सिडी बताई. अब इन एडिशन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट गिव्स यू 80% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विच इज रिपेयर ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर. वो तो बता ही नहीं मैंने. बताऊंगा भी. नहीं यू शुड कम विद अ कॉन्क्रीट प्रपोजल. यू शुड कम विद अ कॉन्क्रीट प्रपोजल. आइडिया लेके आपको आना चाहिए. और देखिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है लेकिन चले एक नए दृष्टिकोण से हम दुनिया की तरफ जाएंगे तो अपने को जगह जगह अपॉर्चुनिटीज. मुझे आशा है कि ये आउटरीच प्रोग्राम में 100 दिनों में शायद एसोसिएशन के साथ वी विल बी एबल टू कल्टीवेट इनकल्केट दैट फैक्टर इन योर माइंड. थैंक यू वेरी मच. So, but I don't know in, who are all the people sitting here. Is there anyone who is working in similar field as what I am? Shanti ji, aap enlighten ko. देखो जो ये सेक्टर में जितने भी एसोसिएशन है तो सारे एसोसिएशन जो है ये मतलब फिर से आपको अपना सवाल पूछे. आई विश टू नो दैट हु आर ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन एक्स फील्ड सो दैट आई कैन गो एंड टॉक टू देम टू फॉर्म अ क्लस्टर. आप डीएससी की तरफ आ सकते हैं. आपको पूरा डाटाबेस मिल जाएगा. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है. हम लोगों के पास में भी पूरा डाटाबेस है. जो भी सपोर्ट सिस्टम है मतलब जो भी आपको लगता है क्लस्टर डेवलपमेंट रिलेटेड वो सारी की सारी जानकारी आपको मिल सकती है. जेंटलमैन आप अपना सवाल पूछिए सर से. कोई इंडस्ट्री चल रही थी अच्छे से चल रही थी तो पीक पीरियड पे था जो भी था साइकिल रहता है डाउनफॉल आ गया. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डाउनफॉल आ गया इंडस्ट्री में किसी रीजन से आइदर पर्सनल और एनीथिंग को जो भी है. बट दैट पर्सन और दैट इंडस्ट्री दे अगेन वांटेड टू रिस्टार्ट लाइक अर्लियर थिंग. उनके पास में फैसिलिटीज है कि बहुत बड़ा हाथी जो पहले काम करता था वो भी खड़ा है. सब कुछ है. Who has prevented you?
नहीं तो उसको अगर फिर से रिस्टार्ट कर रहे तो उसमें कुछ तरह से लाइक के लायबिलिटी क्या है बैंक लायबिलिटी कि वो उसी वजह से बंद पड़ गई तो क्या हो गया था रिफंड रिपेमेंट नहीं है रिपेमेंट का नहीं जो भी था एक रह गया वो कुछ स्कीम है क्या कि आपका अगर कॉन्क्रीट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है तो आप अपने बैंकर को कॉन्फिडेंस पे ले सकते हैं बैंकर विल सी दैट